ये हमारी मदर क्वाइन इन जी हैं, आज हम थोड़ा सा पहले इसका हिस्ट्री जानेंगे कि मैग्निफाइड हीलिंग की हिस्ट्री क्या है। मदर क्वाइन, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था अभी शायद से। नमस्कार मैडम, चलिए। मदर क्वाइन एम कौन है? मदर क्वाइन एम एक, हमने जैसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि एक बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म से आया हुआ है। इनको हम देवी तारा माँ के नाम से भी जानते हैं, और इनको हिंदी में जो हमारे हिंदू उसके अंदर इनको नाम दिया गया है वो पार्वती जी का नाम दिया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जब यशोदा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया था, तो वो जब उनको कंस मारने आया था तो वो हवा में उछल गई थी और उन्होंने उनको बोला था कि तुझे मारने वाला आ गया है। उनके साथ भी इनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो अभी लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो ये आपको यही मिलेगा आपको सब जगह पर कि ये गॉडेस ये चाइना बुद्धिज्म से आया हुआ है। तो इसलिए अभी तक इन चीजों के ऊपर कंक्लूजन्स चल रही हैं कि अभी तक कि एग्जैक्ट में क्या है, लेकिन हाँ हम इनको माँ तारा के नाम से जाना जाता है। ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, ऐसे बहुत सारे आप अगर इनके बारे में सर्च करेंगे तो इनको बहुत सारे रूपों में इनकी पूजा की जाती है और इनको मैनिफेस्ट करने के लिए इनको पूजा जाता है। चाइना में इनके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, वहां पर इनको इनकी बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, ठीक है। 1980 के दशक में जो ये क्वाइन इन अमेरिका में दो रेकी मास्टर्स थे, कैथरीन एंड्रंस एंड गिसेले किंग, इनको वो ध्यान में दिखाई दी थी और उन्होंने उनको जब वो अपनी मेडिटेशन जब वो ध्यान में बैठे थे तभी वो उनके सपने में आई, या उनके जो ध्यान जब वो कर रही थी तो उनको ध्यान में ये आई मदर क्वाइन इन, और इनको वहां पर उन्होंने अटूनमेंट्स दिए, ध्यान में ही उनको अटूनमेंट दिया उन्होंने, जिसके कारण क्या है कि जो इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही शक्तिशाली, जैसे हम लोग अभी करुणा रेखी वहां पर भी हम यूज करते हैं, हम वॉयलेट फ्लेम रेखी में भी यूज करते हैं और हम मैग्निफाइड हीलिंग में भी इसको यूज करते हैं। ये जितने भी हमारे जो कोर्सेज हैं ये सारे जो हैं हमारे रेकी के, जो हम रेकी करते हैं रेकी से जो हमारे एडवांस वर्जन जो हम कोर्सेज होते हैं वो ये सारे हमारे कोर्सेज होते हैं। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर रेकी के जो सिंबल है उसे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली, जो इनकी ये सिंबल्स की जो एनर्जी है वो उससे 1000 गुना शक्तिशाली एनर्जी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप मास्टर्स हैं तो आप इसे करें, क्योंकि अगर आप मास्टर्स हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे अटूनमेंट्स लिए हुए हैं, आपके शक्तिपात हुआ है। डायकोमियो जैसे हम बोलते हैं चौकोरे डायकोमियो जो हम रेकी में हम यूज करते हैं इन दो सिंबल्स को सबसे ज्यादा, तो चौकोरे को हम जैसे यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक नाइफ, और मैग्निफाइड हीलिंग को सॉरी डायकोमियो को हम बोलते हैं एक तलवार। चौकोरे को हम हमेशा यूज करते हैं, हर छोटी छोटी कोई भी बात हो हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन जब हमें कोई बड़ी बड़ी हीलिंग यूज करनी होती है तो हम डायकोमियो करते हैं, बिकॉज डायकोमियो की जो एनर्जी है वो हायर एनर्जी है। अब लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग हर जगह पे डायकोमियो को भी यूज कर लेते हैं, चौकोरे को भी यूज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होता, ठीक है। चलिए ये तो खैर इस चीज का टॉपिक नहीं था, ये जब बात आई तो मैंने आपके सामने ये बात रखी। तो डायकोमियो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जब हम उसका हमारा शक्तिपात हो जाता है, जब हमारी उसकी अटूनमेंट हो जाती है और जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं,
हम अपने चक्रास के ऊपर जब हम काम करते हैं, हर एक सिंबल को हम हमारे चक्रास के ऊपर स्थापित करते हैं, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम उससे अट्यून, हमको मिल जाती है उसकी अट्यूनमेंट, और हम उसको रेगुलर मेडिटेशन के द्वारा उनके साथ हम अपने कनेक्शन को और अच्छा मजबूत बनाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम जितने उसके साथ हम मेडिटेशन करते हैं, वैसे वैसे वो सिंबल और हमारी बॉडी में उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो हमारी बॉडी में आती जाती हैं, और हमारी बॉडी हील होती जाती है और हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक होती जाती है। उसी प्रकार जब हम मैग्निफाइड हीलिंग को करते हैं, जैसा मैंने बोला कि इसके जो सिंबल्स हैं वो जो हम ट्रेडिशनल रेकी जो हमने सीखा है उससे 1,000 गुना अधिक इनकी एनर्जी होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आप लोग हीलिंग करें, पूरा हीलिंग सीखें रेकी को, और उसके बाद इसको करें। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये लोग डायरेक्ट भी सीखते हैं।